हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्मार्ट वॉचेस को रिपेयर कर सकते हो क्या, और रिपेयर कैसे करवाओगे, और मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, और कौन सी स्मार्ट वॉचेस रिपेयर हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो गाइस, मेरे पास कई सारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी रिपेयर हो सकती है और कौन सी नहीं। अब जैसे कि ये स्मार्ट वॉच है, तो आप देख सकते हो कि इसका डिस्प्ले टूट चुका है। तो आप देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच बहुत ही बुरी तरीके से टूटी है और अंदर तक टूटी है। मैं आपको ये बता दूंगा कि ये रिपेयर हो सकती है कि नहीं। तो गाइस, अब देखो, जैसे कि स्मार्ट वॉचेज होती है तो कई तरीके की स्मार्ट वॉच होती है, जैसे कि DT No. 1 स्मार्ट वॉच होगी, ये सीरीज 8 क्लोन है, अल्ट्रा क्लोन है सीरीज 8। तो आप देख सकते हो कि ये सब स्मार्ट वॉचेज है, इनकी कोई कंपनी नहीं होती है ये स्मार्ट वॉचेज। अब जैसे DT No. 1 स्मार्ट वॉच है, तो आप देखोगे तो इसके ऐप का नाम है वेयर प्रो, और इसका बॉक्स आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाता है, पर ये चाइना की स्मार्ट वॉचेज है। तो आप देखोगे तो आप कोई भी स्मार्ट वॉच को, जैसे कि अब ये DT No. 1 स्मार्ट वॉच है, अब ये जो स्मार्ट वॉच ब्रेक हुई है, ये सीरीज 70 में एप्पल लोगो भी आता था, पर गाइज ये स्मार्ट वॉच ब्रेक हो चुकी है, तो आप इसको रिपेयर कैसे करोगे। तो गाइज, आप कोई भी स्मार्ट वॉच को रिपेयर नहीं कर सकते हो। आप जैसे कि DT No. 1 है, ये सब वॉच गाइज चाइनीज़ वॉच होती है, तो इनका डिस्प्ले विस्प्ले कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट वॉचेज आती है। तो अब आप तो बोलोगे कि मेरे को इसको रिपेयर कराना है, तो नहीं होगी रिपेयर, और होगी भी तो डिस्प्ले छोटा आ जाएगा, या फिर डिस्प्ले कुछ ऐसा आएगा छोटा, वो स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले आपको नहीं मिल पाएगा, कोई और डिस्प्ले मिलेगा, और मज़ा नहीं आएगा आपको पहले ऐसी स्मार्ट वॉच में। तो अगर आपकी फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉच है या और कोई भी स्मार्ट वॉच हो, जैसे कि आजकल आ रही है फायर बोल्ट, नॉइस और बोट की स्मार्ट वॉचेस, तो आप वो भी कंपनी की स्मार्ट वॉचेस लोगे, तो वो स्मार्ट वॉचेस आप परचेस कर सकते हो, पर वो कभी भी रिपेयर नहीं होती है। अब जैसे ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन, तो अब आप देखोगे तो ये अगर मेरे से एक बार भी गिरती है और इसका डिस्प्ले ब्रेक हो जाता है, तो ये वॉच कोई भी काम की नहीं है। फिर कितनी भी महंगी स्मार्ट वॉच लो, स्मार्ट वॉचेस चाइना में बनती है, तो गाइस ये वॉचेस रिपेयर नहीं होती, इनके कोई भी पार्ट नहीं मिलते हैं। और रही बात जो ऑफिशियल वॉचेज, अब जैसे ये महंगी वॉच है, ये सैमसंग की वॉच है, तो ये वॉच अभी 10,000 की वॉच 4 है। तो अब आप देखोगे तो सैमसंग की जो वॉचेज है वो रिपेयर हो जाती है, क्योंकि सैमसंग का जो सर्विस स्टोर है वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ सैमसंग के सर्विस स्टोर है, तो वो अगर इसका डिस्प्ले विस्प्ले टूटा तो वो आपको रिपेयर करके दे सकते हैं, पर बाकी की जो स्मार्ट वॉचेज है वो रिपेयर होकर नहीं मिलती, क्योंकि वो मेड इन चाइना होती है, और चाइना की बनी हुई चीज़ें यहाँ रिपेयर नहीं हो सकती है। पर हाँ, अगर आप सैमसंग की वॉच हो तो डेफिनेटली रिपेयर होगी। ओप्पो की जो 45 mm की वॉच है वो रिपेयर नहीं होगी, क्योंकि उसके पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली गाइस, ये सब वॉचेस यहाँ बनती नहीं है। अब आप जितनी भी यहाँ स्मार्ट वॉचेस देख रहे हो, सारी वॉचेस चाइना की है, यहाँ कोई भी नहीं बनती है, ना ही इसका यहाँ कोई सर्विस सेंटर है, ना ही आपको कोई डिस्प्ले मिलेगा। तो स्मार्ट वॉचेस अगर टूटेगी तो वापस रिपेयर नहीं हो पाएगी, फिर आप बटन टूट गया या फिर डिस्प्ले टूट गया, तो वो वन टाइम होता है और वो रिपेयर नहीं होता, इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं आती है। आप जहाँ से परचेस कर रहे हो वो अगर आपको बोलता भी कि इसकी कोई गारंटी वारंटी है, तो कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलती है इसकी स्मार्ट वॉचेस की। आप लोगे और वो ख़राब हो जाएगी, इनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ऐसा भी है कि आज आप लोगे और कल ही बंद हो जाए, पर अब तक मैंने जितनी भी स्मार्ट वॉचेस ली हो, अब तक कोई भी बंद तो नहीं हुई है। जैसे कि अब ये नवी नवी है एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन, तो आप देखोगे तो ये इसको लेके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया और ये बंद नहीं हुई है अभी तक। तो वैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ से भी ज़्यादा होगा, ये भी बननी हुई है, पर कितने बार हो भी जाती है। तो गाइज, स्मार्ट वॉच की कोई गारंटी और कोई वारंटी नहीं आती। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।